जय हिंद दोस्तों, आज हम फिर से जो है SSC MTS, जी हाँ दोस्तों SSC MTS में जो है पूछे जाने वाले स्टैटिक GK और GS के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बीच लेके आए हुए हैं जो कि आपके आने वाले अगर एग्जाम के लिहाज से देखा जाए तो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ऐसे ऐसे प्रश्नों को शामिल किए हुए हैं जिनको आप देख करके बोल सकते हैं कि ये आपके सिलेक्शन वाले प्रश्न होंगे इस बार। अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो है काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है इस बार SSC MTS के एग्जाम में। तो देना कड़ी बड़ी शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जी हाँ दोस्तों कह सकते हैं कि आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और SSC में यह क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जा चुका है। तो पहला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृति सिरोसिस पैदा करती है, मतलब किसकी जो है अधिकता होने से जो है यकृत जो आपका लीवर होता है उसमें सिरोसिस रोग पैदा होता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए कॉपर, जहां दोस्तों कॉपर की अधिकता से जो है सिरोसिस रोग जो है होता है। अगर बात की जाए अगले प्रश्न की तो प्रश्न नंबर दो आपका है कि लार किसके पाचन में जो है मदद करता है, लार जो है किसके पाचन में जो है मदद करता है। तो ऑप्शन बी स्टार्च, जहाँ दोस्तों स्टार्च के पाचन में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है सहायता करता है। अगर बात की जाए अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न आपका, कई बार SSC के एग्जाम में यह प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर तीन आपका है कि खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं। तो इस प्रश्न का तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी सोयाबीन और मूंगफली, जहां दोस्तों सोयाबीन और मूंगफली जो होते हैं ये प्रोटीन के सबसे अच्छे आपके कह सकते हैं एक स्रोत होते हैं। अगर बात की जाए अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा टेबल शर्करा। काफ़ी बार यह प्रश्न आपका SSC CGL के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है। तो ऑप्शन डी सुक्रोज, जहाँ दोस्तों सुक्रोज को ही जो है टेबल शर्करा भी कहते हैं। यह प्रश्न आपका जो है कई बार SSC MTS के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर बात की जाए अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है कि मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलन प्रवेश होता है। तो अम्ली, जहाँ दोस्तों अम्ली उत्तरदायी जो है आपका प्रवेश वहाँ पर होता है। अगर बात की जाए वहीं अगले प्रश्न के बारे में तो अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर कह सकते हैं कि आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा यह प्रश्न आपके लिए कह सकते हैं कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है आपका, कि आपका प्रश्न यह है कि परमाणु का संगठन करने वाले तीन मौलिक कण कौन कौन से हैं, मतलब कि जिनसे परमाणु आपका मिल करके बना होता है। तो आपको पता है यहाँ पर, तो इस प्रश्न का तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, जहाँ दोस्तों जो आपके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इन्हीं से मिल करके आपका कोई भी परमाणु जो है बनता है। अगर बात की जाए अगले प्रश्न के बारे में तो अगला प्रश्न आपका है कि परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं, यानी कि जो परमाणु न्यूक्लियस होते हैं, जो परमाणु आपका न्यूक्लियस मतलब केंद्रक होता है वो किससे मिलकर के बना होता है। तो ऑप्शन डी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जहां दोस्तों ऑप्शन डी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के आपका परमाणु का न्यूक्लियस जो है बना होता है। तो ऐसे ही प्रश्न आपके इस बार SSC MTS में देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। अगला प्रश्न आपका बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी आपका है कि किसी तत्व के तुल्यांकी भार, जी हाँ दोस्तों किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है। तो परमाणु भार, ऑप्शन सी परमाणु भार के बराबर किसी तत्व का तुल्यांकी भार और संयोजकता जो है होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी है आपका। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है यह कि किस तत्व के, जहाँ दोस्तों किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है, मतलब जो कोई भी आपका तत्व होता है उसके उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है, जो उसका रासायनिक गुण होता है आखिरकार तय कहाँ से होता है। तो ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ही जो है किसी तत्व का रासायनिक गुण जो है तय किया जा सकता है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर बेहद ही इंपॉर्टेंट, जी हाँ दोस्तों कह सकते हैं कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न जो है किसी भी अगर कंपिटेटिव एग्जाम के अगर लिहाज से देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है। तो ऑप्शन बी -40 डिग्री कह सकते हैं आप, माइनस आपका 40 डिग्री ऐसा है जो कि आपका फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पर जो है आपका सेम रहता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर किलोवाट घंटा, जहां दोस्तों किलोवाट घंटा जो आपकी एक यूनिट है किसकी यूनिट है, तो ऊर्जा की, ऑप्शन ए ऊर्जा की किलोवाट घंटा। अगर सिर्फ आपका जो है किलोवाट, अगर आपका सिर्फ किलोवाट दिया रहेगा तो वह यूनिट किसकी होगी, तो ऑप्शन बी शक्ति की, जहां लेकिन यहां पर दिया क्या गया है किलोवाट घंटा, तो ये यूनिट किसकी है, ये यूनिट आपकी ऊर्जा की है।
अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, प्लांक नियतांक की यूनिट। जी हाँ दोस्तों, प्लांक नियतांक की यूनिट क्या है? तो ऑप्शन ए जूल सेकंड। कई बार परीक्षाओं में यह क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि प्लांक नियतांक की यूनिट क्या है, तो जूल सेकंड। प्लांक नियतांक को लिखते किससे है, तो स्मॉल एच से। अगर इसकी वैल्यू की बात की जाए तो 6.6। जी हाँ दोस्तों, 6.6 × 10^-34, 10 की पावर जो आपकी होगी −34 कह सकते हैं आप, जूल सेकंड। यही आपके प्लांक नियतांक की जो है, जो आपका प्लांक कांस्टेंट है, ये उसकी वैल्यू है। और ये कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और इस बार भी आने की इसकी जो है पूरी संभावनाएं बन रही हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा कि उष्मा का एसआई मात्रक क्या है। जी हाँ दोस्तों, उष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन ए जूल। जूल जो है उष्मा का एसआई मात्रक है। तो आप कह सकते हैं कि ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके आने वाले, अगर एसएससी एमटीएस के लिहाज से देखा जाए तो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।